कि पूरा देश परेशान है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से, और जितना इन लोगों की संवैधानिक संस्थाएं हैं जो खिलौना बना रखा है, इससे सभी लोग परेशान हैं। खास तौर पे बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से किसान परेशान हैं। तो तमाम ऐसे जन सरकार के जो मुद्दे हैं, इसको लेकर के आज हम लोग जनता के बीच आए हैं, और जनता का समर्थन आप देख सकते हैं। पीछे 5 किलोमीटर तक आप देख सकते हैं, दोनों लेन में चारों ओर, आगे सगुना मोड़ से डाक बंगला तक के हम लोगों का मार्च है, प्रतिरोध मार्च, और इसमें जनता का, खासतौर पे नौजवानों का साथ मिल रहा है। इन लोगों ने नौजवानों को, किसानों को छलने का काम किया, ठगने का काम किया है, और इसलिए ये जनता की आवाज़ को सरकार के अधीन, सरकार को एक संदेश जाए कि आपकी नीति गलत है, आपकी राजनीति गलत है, इसलिए आज हम लोगों का ये प्रतिरोध मार्च है, ताकि गरीबों को राहत मिले, आम आदमियों को राहत मिले इस महंगाई की मार से। लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष माहौल बना रहा है, कोई महंगाई नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, आंकड़ा उनके पास नहीं है तो हम भिजवा देते हैं उन्हीं का आंकड़ा, कितने में फल मिल रहा है, कितने में सब्जियां मिल रही है, कितने में मसाला मिल रहा है, हर एक चीज जो है गरीब के थाली से अनाज छीनने का काम किया है इन लोगों ने। बताओ, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, आपका अर्थव्यवस्था चौपट हो गया, आज आपका भूटान का जितना जो वैल्यू है उतना वैल्यू आज रुपया का हो गया, कहाँ है आप? लेकिन जिस तरीके से मार्च निकाले हैं, आपको भी अगर ईडी बुला ले तो क्या कीजिएगा? अरे उनका तो कब से बुला रहे हैं, कोई नई बात है क्या भाई? इन लोगों को बुलाने दीजिए, करने दीजिए, जांच एजेंसियां हैं, दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन है तो संवैधानिक संस्था, तो इज्जत करेंगे। जब जब बुलाया गया गए, लेकिन जायज जांच होनी चाहिए, न्यायपूर्वक जांच होनी चाहिए। आप लोग मार्च निकाल रहे हैं और बिहार में सरकार की स्थिति खराब है, जिस तरीके से बीजेपी जेडीयू में हो रहा है पूरा दुनिया देख रही है, कैसे चलेगा बिहार? हमको जनता की फिक्र है, जनता दल यूनाइटेड या एनडीए में, भाजपा में क्या हो रहा है उससे कुछ ले लेना देना नहीं है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और हम लोगों की पूरी तरीके से सरकार को, हम लोगों ने कई बार इस दिशा में बोला है कि लोगों को रोजगार पैदा कराए, लोगों को जो है महंगाई की मार जो है वो कम किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार सुनाई नहीं देता। आप हमेशा बोलते थे बिहार में लूटा जा रहा है, आरसीपी आरसीपी टैक्स लिया जा रहा है, अब क्या कहेंगे, ये तो साबित हो गया। अब जो हमने कहना था वो हमने कह दिया, अब आगे क्या होता है, सारी चीजें तो जनता, कोई नई बात तो है नहीं, ये तो अभी सार्वजनिक हुई है, लेकिन जनता तो हर एक चीज, हर एक लोगों को पहचानती है। और ये भाजपा के लोगों खासतौर पर जितने मंत्री लोग थे, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया है, इतना ज्यादा जो मंत्री हैं, इनके नेता हैं, इनके घर छापे पड़े तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम तो चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को कि अपने दल में अगर इस तरह का उजागर हुआ है तो अपने घटक दल में भी जांच करवा ले,